कंटिन्यू नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप कि आप लोगों की नीट 2023 की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों की को दिवाली की मुबारकबाद। आई होप कि आप सभी की दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी, शानदार रही होगी, सेफ रही होगी। चलिए उसी के साथ हम लोग पी ब्लॉग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास में हम लोग पी ब्लॉग डिस्कस कर रहे थे, उसी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल, और कुछ हमारी रेगुलर प्रैक्टिस के सवाल हैं। तो देखते हैं कि कितना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक के बारे में और कितना जान चुके हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बढ़िया शानदार न्यूज दे दूं कि जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि एग्जामपुर की तरफ से, पूरे एग्जामपुर परिवार की तरफ से, दिवाली के उपलक्ष्य में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आप लोगों को ऐप पर, जैसे कि आप लोगों ने डाउनलोड की हुई है, जिन्होंने नहीं की है ऐप डाउनलोड, वो सभी एक बार ऐप को डाउनलोड कर लो। और अपडेट करने के लिए भी मैंने आपको बोला है, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी पर 75% तक का ऑफर आप लोगों को मिल रहा है। और आप तो पहले से जानते हैं कि एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप उनकी तुलना किसी भी दूसरे, कहीं भी किसी भी संस्थान से अगर करोगे, तो आपको इतने सस्ते में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतने सस्ते में कोर्सेज कहीं नहीं मिलते हैं। और उसमें भी आपको 75% तक का ऑफर मिल रहा है दिवाली के मतलब दिवाली के उपलक्ष में। तो आप सभी लोग, अगर कोई भी आपकी जानकारी में, आपके दोस्तों में, परिवार में, या कहीं पर भी कोई भी ऐसा इंसान हो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो SSC हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, टीचिंग हो, TCT, PGT कुछ भी हो, तो आप लोग रिकमेंड कर सकते हो, है ना। कोई भी एप्लीकेशन पर एक बार जाइए और जाकर देखिए कि वहाँ कितने सारे कोर्सेज हैं, और उनका जो पैसे हैं वो बहुत ही कम है, ऑलरेडी कम थे, जिन पर अभी भी आपको 75% का जो है डिस्काउंट वहां पर मिल रहा है, जिसके लिए यूज जो आपको कोड करना है वो Diwali75 है, DIWALLI75। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप लोग रिकमेंड कीजिए। चलिए उसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कितनी नॉलेज अपने को है और कितना पी ब्लॉक के बारे में जानकारी अपने को अभी तक हो चुकी है। चलिए पहला सवाल है, फाइंड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का पता लगाइए। दिए गए ऑक्साइड्स में कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो कि एम्फोटेरिक है। टाइमर लगा देता हूं, है ना, बताइए कि कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करो और बताइए कि कौन सा जवाब आपका एकदम सही है। कौन सा जवाब आपका एकदम सही होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की, तो एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड्स है, बेसिक ऑक्साइड्स है, और अपने पास एक और ऑप्शन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको बतानी भूल गया कि अपना जो ऑफर है, आपको जो दिया गया है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो ऑफर कब तक सीमित है? वो सीमित है सिर्फ 27 अक्टूबर तक। तो लास्ट डेट 27 अक्टूबर है। तो आप लोग बताइए, सबको रिकमेंड करिए, इतने सस्ते में आपको दुनिया के इस देश भर में तो कहीं मिलने वाला है नहीं। जहां भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी आप लोग अगर कर रहे हैं या कोई भी आपकी जानकारी में कर रहा है, तो उनको रिकमेंड कीजिए, उनको बताइए कि बेहतरीन और टीचर्स, बेहतरीन फैकल्टीज के साथ जितना शानदार ऑफर आपको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब अगर आप खुद भी जाकर देखें एक बार, जो रेट है, जो जितने पैसों में, जितने कम पैसों में आपको ये चीज मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं ऐसा इतने कम पैसों में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कहीं पर भी ऐसा इतना सस्ता कोई भी कोर्स मिल पाएगा। और उस पर भी आपको ऑफर दिया जा रहा है दिवाली के उपलक्ष्य में, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अक्टूबर है। तो उससे पहले पहले आप लोग सतर्क रहिएगा थोड़ा सा, और उससे पहले ही जितने भी आप लोगों की जानकारी में लोग हैं उन सभी को रिकमेंड कीजिए और बताइए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्साइड्स की बात करें तो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, कुछ बेसिक ऑक्साइड्स हैं, और कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो जो हमारे पास मेटल्स हैं, किसकी बात करें, मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, वो एसिडिक होते हैं, और बीच में बचे हुए कुछ ऐसे दोगले लोग, जैसे हाइड्रोजन, जैसे
जैसे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आज तक हमारी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आज तक फिक्स नहीं हो पाई है। कारण उसका क्या है कि हाइड्रोजन कभी तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हैलोजन्स की तरह, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर एच माइनस बना रहा है। कभी कभी वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एच प्लस की तरह, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एल्केली मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो आज तक उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। उसी तरह ऑक्साइड्स में भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कभी कभी एसिडिक बिहेव करते हैं, कभी कभी बेसिक बिहेव करते हैं। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को जो दोगला बिहेव करते, दोगला माने कभी एसिडिक कभी बेसिक, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, जिनका नेचर जो है वो एसिड की तरह भी है और बेस की तरह भी है, सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमको एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला था जो अगर एसिड के साथ है तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है और बेस के साथ है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और वो मॉलिक्यूल था वाटर, H2O, है ना। अगर वो NH3 के साथ है, अगर वो किसके साथ है, NH3 के साथ है, तो वो ब्रोनस्टेड लाउरी की थ्योरी के हिसाब से H+ दे रहा था NH3 को, यानी कि एक एसिड अम्ल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अगर वही H2O HCl के साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ था, तो वो ही H2O HCl से H+ ले रहा था। और ब्रोनस्टेड लाउरी ने ये कहा है कि H+ देने वाला एसिड कहलाता है और H+ यानी कि प्रोटोन लेने वाला बेस कहलाता है। तो दोनों नेचर दिखा रहा है, तो इसीलिए हम वाटर को भी क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। हम ना तो उसको एसिडिक बोलते हैं ना ही उसको बेसिक बोलते हैं। सिचुएशन पर डिपेंडेंट है कि उसके आसपास है कौन। अगर उसके पास कोई एसिड है तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर उसके पास कोई बेस है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। उसी तरह अपने पास जो ऑक्साइड्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही है। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं जिनमें मेटालिक करेक्टर ज्यादा है उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, और अगर हमारे पास नॉन मेटल्स हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। और कुछ ऐसे भी हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों तरह से बिहेव करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं नेचर में। तो बताइए कि इन सभी में से कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SNO2, SiO2, इन सभी के अंदर कौन सा ऐसा है जो कि एम्फोटेरिक है नेचर में। चलिए, सारी जानकारी, जितनी भी बेसिक जानकारी इसके बारे में थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अभी भी अगर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टाइम पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर यानी कि धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है, और अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अधात्विक गुण यानी कि नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है वो आसान हो जाना चाहिए, सिंपल साधारण एकदम। बताइए कि कौन सा एम्फोटेरिक होना चाहिए। कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम क्या है, प्योर मेटल है भाई साहब, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसका जो ऑक्साइड होगा, तो मेटल का ऑक्साइड तो पूरे तरीके से कैसा होगा, बेसिक होगा। कार्बन की बात करें, नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, ये एसिडिक होगा, ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। कार्बन के जस्ट नीचे आपका जो 14th ग्रुप है, 14वां जो ग्रुप है आपकी पीरियोडिक टेबल का, उसमें जस्ट कार्बन के नीचे सिलिकन आता है, और सिलिकन के ऑक्साइड की बात करें तो वो भी कैसा होगा, एसिडिक ही होगा। SNO2 आता है बीच में। अब जो बीच वाले हैं वही ये रोल निभाते हैं, जो बीच वाले लोग हैं वही, उन्हीं का ऐसा रोल है कि वो ऊपर वालों की तरह भी बिहेव करते हैं, नीचे वालों की तरह भी बिहेव करते हैं। जो सबसे ऊपर है उसमें कैसा गुण है, उसमें नॉन मेटालिक गुण है, अधात्विक गुण है, तो वो तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और जो सबसे नीचे वाले हैं उनमें मेटालिक गुण है, मेटालिक करेक्टर है यानी कि धात्विक गुण, तो उसमें कैसा करेक्टर होगा, उसमें बेसिक होगा। तो बीच वाले जो बचे वही ये सारे ड्रामे करते हैं। बीच में कौन बचा, बीच में SN बचा, बीच में कौन बचा, SN बचा। तो SNO2 है आपका, वही एम्फोटेरिक होगा। SNO2 कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेफाइट हैज द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद, ग्रेफाइट जो है आपका, आप लोगों ने कई बार, बहुत बार ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। कार्बन की एक एलोट्रोप है जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ना डायमंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना ही ग्रेफाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जरा बताइए ध्यान से, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह होती है, B2S6 डाइबोरेन की तरह, B4C बोरोन कार्बाइड की तरह, बी यानी कि बोरोन की तरह, या फिर BN बोरोन नाइट्राइड की तरह, किसकी तरह होती है इसकी स्ट्रक्चर।
चलिए ध्यान से सवाल को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। इसकी स्ट्रक्चर जो है ग्रेफाइट की वो किसकी तरह होती है? कार्बन के दो इलेक्ट्रोड्स बड़े फेमस है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वही है जो आप लोग पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, फोटो भी लगा हुआ है ना, फोटो भी है इधर। ये पेंसिल में जिस वो हिस्सा पेंसिल का जिससे आप लोग लिखते हो वो ग्रेफाइट ही है। क्या होना चाहिए इसका जवाब? हालांकि ये जो पी ब्लॉक है वो हम 12th बोर्ड वाली क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन पी ब्लॉक तो नीट वाले सिलेबस में भी है, तो दिक्कत तो अपने को होनी नहीं है। तो नीट वाले भी इसको देख ही सकते हो और साथ साथ में 12th बोर्ड वाले भी देख सकते हो। वैसे भी पी ब्लॉक जो है वो डिटेल में अपने 12th के सिलेबस में ही आता है, डिटेल में 11th के सिलेबस में तो एस ब्लॉक ही है बस, और नीट में दोनों है। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब। B2S6 की अगर बात करें हम लोग, मैं आपको याद दिला दूं कि B2S6 की बनाना स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है? बनाना स्ट्रक्चर या बनाना ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। एक बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। और ये भी याद रखिए कि हमेशा, पहले भी मैंने बताया है कि बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो बोरोन के हैलाइड्स हो, चाहे वो बोरोन का कोई एसिड हो बोरिक एसिड, या फिर बोरोन का कोई हाइड्राइड हो जैसे कि ये डाइबोरेन है B2S6, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं। सबके सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और बोरोन के जो कंपाउंड है वो हमेशा लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, ये कि जो इलेक्ट्रॉन की भूख है वो खत्म होती नहीं है कभी भी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं है। जैसे यहां अगर हमें देखना हो तो भैया हाइड्रोजन के पास तो ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास टोटल ले दे के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक बार तो इस बोरोन को दे रहा है, एक बार इस बोरोन को दे रहा है। हाइड्रोजन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ब्रिज एलिमेंट की तरह भी काम कर सके, कि वो इधर और इधर दो जगह इलेक्ट्रॉन्स को दे सके। ले दे के उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो एक बार में किसी एक को ही देगा बस, तो एक बार में वो इसको देगा, दूसरी बार वो इसको दे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ज्योमेट्री है, इसको हम लोग बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। सो किस नाम से जाना जाता है? बनाना बॉन्डिंग। लुईस एसिड होती है। अब इस तरीके से तो अपने ग्रेफाइट दिखता नहीं है, इतना ज्ञान तो हमको भी है कि डायमंड कैसा दिखता है, ग्रेफाइट कैसा दिखता है। कारण, कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, डायमंड में भी वो चार ही बॉन्ड बनाया करता है और ग्रेफाइट में भी चार ही बॉन्ड बनाया करता है। तो बताइए जरा थोड़ा सा याद करके कि किसकी जैसी स्ट्रक्चर होगी। बोरोन कार्बाइड ना, संभव ही नहीं है, बोरोन कार्बाइड संभव ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी कीमत पर भी। बोरोन की बात करें तो बोरोन तो एक एटॉमिक फॉर्म हुई, बोरोन कैसी है? एक एटॉमिक फॉर्म। वो बात अलग है कि इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, आइकोसाहेड्रल फॉर्म में रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ना, वो अलग चीज है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसकी जो तो स्ट्रक्चर है वो नहीं है किसके जैसी, ग्रेफाइट जैसी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? बोरोन नाइट्राइड जैसी है। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये जो है ये आपका ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये आपकी बोरोन नाइट्राइड की स्ट्रक्चर। सिमिलैरिटी आप लोग देख सकते हो, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसी है? लेयर्ड। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी लेयर्ड है, परतों में है, उसी तरह आपका जो ब्रोनो बोरोन नाइट्राइड है, BN है, उसकी स्ट्रक्चर भी परतों में, लेयर्स में। दोनों स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगर ये चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स आई होप कि क्लियर होंगी दोनों, बोरोन नाइट्राइड की भी और ग्रेफाइट की भी। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, जरूरत थी बस रिवीजन की हल्के से, जो आप लोगों की आदत है कि करना नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कर लो, वापस से एक बार और कर लेना, रिवीजन की आदत डालिए थोड़ी सी, जरूरी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द लुईस एसिड्स। अब ये सवाल बड़ा मिलता जुलता है, अभी जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने आपको कहा था कि बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो बोरोन के हाइड्राइड्स हो, एसिड्स हो, बोरो एक बोरिक एसिड की तरह, या फिर बोरोन के हैलाइड्स हो, वो सब के सब हमेशा
लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। उसका कारण ये था कि न्यूट्रल फॉर्म में बोरॉन जो है वो तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तीन है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तीन है तो भैया ले दे के तीन की ही शेयरिंग कर सकता है। अब तीन की शेयरिंग करेगा तो तीन ही बॉन्ड बना पाएगा, तो सब में तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। अब ये तो बात क्लियर है कि इन सभी कंपाउंड्स में जितने भी हैलाइड्स हैं चार के चार के अंदर, सब में बोरोन के पास कुल छह ही इलेक्ट्रॉन है। और एलिमेंट को चाहिए क्या? एलिमेंट को चाहिए कि भैया उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी कि उसको पूरे आठ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। बॉन्डिंग किस वजह से करता है कोई भी एलिमेंट? उसका कारण यही है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे से जाकर, कोई भी तत्व किसी दूसरे एलिमेंट से तभी जाकर जुड़ता है एक ही लालच में, ताकि उसका जो ऑक्टेट है, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो किसी भी तरीके से पूरी हो जाए। तो सबके सब ये चारों लुईस एसिड है। आपको याद होगा कि हम एसिड और बेस की बात जब करते हैं तो हम कुल मिलाकर तीन थ्योरीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुल मिलाकर तीन थ्योरीज पढ़ते हैं, जिसमें पहली थ्योरी थी आर्हेनियस की थ्योरी। जरा याद करिए, आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो होता है जो एक्वा सोल्यूशन यानी कि पानी में डालने के बाद H+ दे, वो एसिड है, और जो OH- दे वो बेस। लेकिन उससे चीजें सेटिस्फाई नहीं हो पाई। हर सवाल के जवाब या हर एक जितने भी एसिड हैं दुनिया में उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हम सबको तो पानी में डाल डाल के नहीं देख सकते ना कि किसका H+ दे रहा है, कौन OH- दे रहा है। और कुछ ऐसे भी थे जो H+ OH- यानी जिनके पास कुल ले दे के हाइड्रोजन और OH है ही नहीं, उसके बाद भी वो एसिड और बेस है। उसके बाद ब्रोनस्टेड आए। ब्रोनस्टेड लाउरी ने कहा कि छोड़िए एक्वस वैक्वस को, हमें पानी में घोल के देखना ही नहीं है। आप बस इतनी सी बात क्लियर रखिए कि भैया जो प्रोटॉन दे सकता हो, यानी कि जो H+ दे सकता हो वो एसिड है, और जो H+ ले सकता हो यानी कि प्रोटॉन ले सकता हो जो, वो बेस है। ये ब्रोनस्टेड ने कहा था। यहां भी सारी बातें नहीं बनी। बात क्यों नहीं बनी? क्योंकि अगर मैं कहूं कि NH3 है अमोनिया, अब NH3 क्या है? NH3 एक बेस है, तो आर्हेनियस की तो बत्ती गुल हो जाए। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो OH- देगा वो बेस है, इसके पास तो ऑक्सीजन है भी नहीं, कहे का बेस। तो आर्हेनियस की ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखकर दिमाग खराब, पागल हो जाता वो। अगर मैं कहूं BCl3 है, BCl3 क्या? एक एसिड है। आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो है जो H+ देता हो, हाइड्रोजन है ही नहीं भाई के पास, कहां से H+ लाए, फिर भी एसिड है। ब्रोनस्टेड लाउरी ने कहा था जो H+ देता हो वो एसिड है, वापस से H+ है ही नहीं आया, H+ छोड़िए हाइड्रोजन ही नहीं है, कहां से लाए, खत्म कहानी। बाद में आए लुईस बाबा थर्ड नंबर पर, कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर आए लुईस। और इनके बाद जो बातें बताई गई हैं, या इन्होंने जो बातें बताई हैं, वो बड़ी रियलिस्टिक है, मतलब उनका बहुत इस्तेमाल है। और इस्तेमाल कहाँ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप इनकी बात करो तो इनका हद से ज्यादा इस्तेमाल है वहां पर। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस होगा और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड होगा। क्या कहा लुईस ने? लुईस का जो कंसेप्ट है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या है? बेस। लेकिन आप सिर्फ बेस नहीं बोलोगे, क्योंकि हम सिर्फ अगर बेस या एसिड शब्द का इस्तेमाल करें तो हम लोग क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम कौन से इंसान के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ब्रोनस्टेड या लाउरी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम लुईस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां सिर्फ बेस लिखना गलत है। तो अगर हम लुईस बेस लिखें तो ये शब्द बढ़िया होगा, फेवरेबल होगा और जानने लायक होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को लुईस एसिड कहा जाता है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुनिया में लुईस के कॉन्सेप्ट का ही होता है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। हाँ, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वाले जो चैप्टर हैं उनमें, हाँ, आर्हेनियस का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि वहां हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहां 90% तक लुईस के कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, इतनी बात उसने बता दी। तो कुल मिला के अपने पास ये चारों जो है वो लुईस एसिड है। इतनी बात तो अपने को समझ आ गई।
चारों क्या है, चाहे आप किसकी बात करो, बी एफ थ्री की बात कीजिए, आप बी सी एल थ्री की बात कीजिए, आप बी बी आर थ्री की बात कीजिए, या फिर आप बी आई थ्री की बात कीजिए, ये सब के सब क्या है, लुईस एसिड है। अपने को पहचानना है कि कौन ज्यादा लुईस एसिडिक है। यहां मुझे आपको एक चीज समझानी है, आई होप कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा, वहां एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा बैक बॉन्डिंग नाम का। क्या पढ़ा होगा? बैक बॉन्डिंग नाम। इसी बैक बॉन्डिंग को जब आप लोग 12th के सिलेबस में मिलने वाला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां हम इसी प्रकार की बैक बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से। बैकबॉन्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूं ताकि अपने को 11th वाली जो चीज है वो रिवाइज हो जाए और कॉन्सेप्ट को समझने में या सवाल को करने में कोई समस्या ना हो। जिनको पता है उनको याद आ जाएगी, जिनको नहीं पता है वो समझ लो एक बार। कहानी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। किसकी है? अपने पास देखो बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो अपने पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, सारी चीज याद दिला देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक। स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो यहां अपने पास कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, आयनिक बॉन्ड जो आयन्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। थर्ड की बात करें तो मेटालिक बॉन्ड, जो आपके अगर कोई मेटल है इंडिविजुअल फॉर्म में है उसमें जिस तरह के बॉन्ड रहते हैं, जहां हम लोग कर्नल का जिक्र करते हैं, है ना, वहां मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं, जहां कर्नल्स का जिक्र करते हैं हम लोग। और फोर्थ नंबर पर आपका एक और आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फोर्थ नंबर पर क्या आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस क्लास में काफी जानकारी लेके जाने वाले हैं क्योंकि लगातार मैं ही बोलने वाला हूं, है ना, नो इंटरेक्शन नथिंग, है ना, मजेदार। बढ़िया। वीक बॉन्ड की बात करें तो यहां अपने पास क्या आते हैं? वंडरवॉल बॉन्ड्स, वंडरवॉल बॉन्ड्स, वंडरवॉल बॉन्ड्स आप उनको बोलते हो, या फिर वो वीक बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं। ये एटम्स के बीच लगने वाले हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले हैं, ये आयंस के बीच लगने वाले हैं, और ये मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले। सेकंड नंबर पर आप यहाँ एक और जिक्र करते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसका जिक्र करते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बड़ी अहमियत है। कब है? ऑर्गेनिक, जरा याद कीजिए, जस्ट अभी हमने ऑर्गेनिक कुछ दिनों पहले खत्म की थी, जब हम लोग किसकी बात करते हैं? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, या फिर उसको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आप लोग बोलते हो। जब हम उसकी बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड को याद करते हैं कि किस केस में इनोलिक फॉर्म कीटो के कंपैरिजन में मेजर प्रोडक्ट बन सकती है। वो चीज चलो याद होगी, अपने को अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। पूरी हिस्ट्री बता देता हूं आपको, 11th का भी सारी कहानी जितनी भी हम पहले पढ़े थे, ये आप लोगों ने पढ़ी थी, वो सारी की सारी याद आ जाएगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक होता है आपका पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक क्या होता है? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो प्रकार का होता है। इसको आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ ही लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की चर्चा या इसका सिग्निफिकेंस जो है हमको देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, जो अपना पार्ट है 12th वाला, 12th का जो सिलेबस है वहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, ज्यादा सिग्निफिकेंस हमको वहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहां भी मैं सिग्निफाई करा देता हूं, इसको समझ आ जाएंगी चीजें। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पाई कोऑर्डिनेट, ये तो टाइप्स हुई इसकी। टाइप्स से पहले हम एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जान लेते हैं कि ये बॉन्ड है कौन सा। देखिए पहली बात, अगर Na+ और Cl- दो अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में अगर किसी प्रकार के इंटरेक्शन या किसी प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई भी बॉन्ड बनता है, तो आप उसको प्यार से NaCl बनाकर इसको आप लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। बढ़िया बात है। दूसरा मैं कहता हूं कि CH4 मॉलिक्यूल बना है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी, ज्योमेट्री बोल लो,
यहाँ जो जो बॉन्ड्स बने हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बने हैं। किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हो? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध इसको आप लोग बोलते हैं। क्लियर बात है। तीसरी चीज, अगर कोई आपके पास मेटल है, मान लीजिए आपके पास एक आयरन का लोहे का टुकड़ा है, किसका है? लोहे का टुकड़ा, तो जो एटम्स है आयरन के, ये हम लोग जानते हैं कि अगर मैं 1 मोल भी आयरन लू तो उसमें कितने एटम्स होंगे? एन एटम्स होंगे, 6.023 × 10³ एटम्स होंगे। अगर 1 मोल आयरन भी है मेरे पास, अगर 1 मोल आयरन भी है तो उसके अंदर भी इतने सारे एटम्स होंगे। और वो जो एटम्स हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा अभी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो एटम्स हैं, जिस बॉन्ड के थ्रू या जिस इंटरेक्शन के थ्रू, जहां हम लोग कर्नेल्स की बात करते हैं, उसको आप लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हो। बात आती है फोर्थ नंबर पर, यहाँ एक एग्जाम्पल से हमें समझना होगा। मान लीजिए बात करता हूँ नाइट्रिक एसिड की, आप मुझसे पूछो कि बताओ यार कि HNO3 की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, इसकी ज्योमेट्री जो है या इसकी बॉन्डिंग जो है वो कैसे बनी होगी, इसकी ज्योमेट्री या फिर बॉन्डिंग कैसे बनी होगी। अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सवाल का क्या, सवाल करते रहेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल तो होते रहेंगे। पहले अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अपने को थ्योरिटिकल जो बातें हैं वो सब आनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं? ये टाइमर मैंने खुद के लिए लगाया हुआ, आप तो क्या ही टाइमर लगाओगे, वैसे ही सवाल का जवाब देना नहीं होता कभी। चलिए HNO3 के स्ट्रक्चर अगर बनाए, तो बीच में आपका सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के चारों तरफ जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो अपने पास 3 ऑक्सीजन एटम और 1 हाइड्रोजन। ये मैंने इस तरीके से लिखे, कोई समस्या नहीं। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल या फिर उसकी वैलेंसी ये बोलती है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 कैसे? शेयरिंग करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड वो बना सकता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि नाइट्रोजन जो है उसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 और 2p3, ये उसकी वैलेंस सेल है सेकंड वाली। टोटल उसमें सेकंड सेल जो है उसकी वैलेंस सेल है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और एलिमेंट ये चाहता है कि हमको ले दे के टोटल मिला कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं स्टेबिलिटी गेन कर लूंगा, यही वो चाहते हैं। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। अब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत अगर उसको है तो भैया 3 ही बॉन्ड बनाने पसंद करेंगे कि कहीं से शेयरिंग कर ले, 3 एटम्स आकर या 2 एटम आकर, या मैं कह रहा हूं 1 ही एटम आकर उससे बस 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले तो उसको मजा आ जाएगा। तो हम उसकी चलो एक बार बॉन्डिंग करा के देखते हैं। ऑक्सीजन कितने बनाता है? ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। कितना होता है? 2p4। वैलेंस शेल में इसकी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। बना दिए, चलो हमने 1 ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड बना दिए। अब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना चुका है, बनाना कितना चाहता है? 3 बॉन्ड। उसको सिर्फ 1 बॉन्ड और बनाना है, उसको सिर्फ क्या बनाना है? सिर्फ 1 बॉन्ड उसको और बनाना है। तो हमने उसका एक और बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनवा दिया। अब यहाँ नाइट्रोजन की तो पूर्ति हो चुकी है, नाइट्रोजन को तो कुल मिला के भैया 3 ही बॉन्ड बनाने थे, 3 बना चुका। बचे हुए एटम्स का क्या करें? ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको एक और बॉन्ड बनाना है, हमने इसे हाइड्रोजन के साथ बनवा दिया। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये फ्री हो चुके हैं, इनको किसी भी चीज की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। कारण उसका ये है कि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने थे, बना चुका, ये वाला 2 बॉन्ड बना चुका, ये वाला एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ बना चुका। नाइट्रोजन को ले दे के 3 बॉन्ड बनाने थे, वो भी अपने 3 बॉन्ड बना चुका, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका, नाइट्रोजन का पेट भर चुका है। बचा हुआ ये ऑक्सीजन जो है इसका क्या करें, ये कहाँ जाएगा बेचारा? नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। कितने
कितने इलेक्ट्रॉन्स का उसने इस्तेमाल किया बॉन्डिंग में, तीन का, कितने का, तीन का, बचे कितने, दो, यानी कि उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है जिसको आप लोग प्यार से लोन पेयर का नाम देते हो। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लोन पेयर। अच्छी बात है। करता क्या है, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन की, छह तो पहले से है उसकी वैलेंस शेल में, तो ये नाइट्रोजन अपने इन दो इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है, शेयरिंग नहीं करता, शेयरिंग नहीं करता है, शेयरिंग करने की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। साइड में बचे हुए ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में अटैच करना है, इसलिए वो नाइट्रोजन जो है अपने सर पर रखे हुए दो फालतू के इलेक्ट्रॉन्स को जो उसकी वैलेंस सेल में पड़े हुए थे जिनका बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, जिनको आप लोग लोन पेयर बोलते हो, वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट, इस शब्द का इस्तेमाल रख, मतलब इस शब्द को याद रखना, उसने कोई शेयरिंग नहीं की है, उसने जस्ट एक एहसान किया है ऑक्सीजन पर कि जा बेटे तो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, मेरे पास पड़े हैं तो ले ले मजे का, लेकिन शर्त एक है, तुझे रहना मेरे साथ ही पड़ेगा। तो क्या करता है, अपने इन दो इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट कर देता है। इसी बॉन्ड को आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हो, इसी बॉन्ड को आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अपने समझ लिए। अब हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी दो तरीके से डिफाइन किया। हमने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरीके का होता है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट छोड़िए, अगर मैं सिर्फ सिग्मा और पाई की ही बात करूं तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है। सिग्मा बॉन्ड उस बॉन्ड को कहा जाता है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बनने वाला सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बनने वाला सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और उसके बाद बनने वाले बॉन्ड्स उन्हीं दो एटम्स के बीच पाई बॉन्ड कहलाते हैं। और अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो इसकी कहानी भी सेम टू सेम है। इस नाइट्रोजन कौन सा, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो ये जो बॉन्ड यहां बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, इसको हम लोग सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। तो मैं यहां सिग्मा लगा देता हूं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर पाई क्या है, वही तो हमें जानना है, वही तो जानना है, और वही हमारा कॉन्सेप्ट भी है, हमारा सवाल वही हल कराएगा। BCl3 को लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया भैया, देखिए सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं इस B और इस Cl के बीच, इस Cl के बीच और इस Cl के बीच सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, बने हुए हैं, हमें स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, शेयरिंग पहले से ही हो चुकी है। लेकिन शेयरिंग का एक नुकसान बोरोन को मिला, और वो ये है कि बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाए। उसको अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक बॉन्ड कितने की शेयरिंग से बनेगा, दो, तो उसके पास 2+2+2 टोटल मिलाकर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने, 8। करे क्या, क्लोरीन से भीख मांगे भाई, हेलोजन है, हेलोजन क्या है, भूल मत जाना, हेलोजन कौन होते हैं, हेलोजन। क्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5 ले देकर 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। और अगर फ्लोरीन की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, एस्टाटीन लो, एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंस सेल एक ही प्रकार की दिखाई देती है। सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे। कितने की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक की। तो इसलिए हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग में, कितने बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन और इस क्लोरीन ने अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरोन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन खुश है, ये वाला खुश है, ये वाला खुश है, लेकिन ये बोरोन खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जरूरत पूरी कैसे की सके, अभी जरूरत दो तरीके से पूरी कर सकता है। मान लीजिए मैं इसके पास कोई इस तरह का मॉलिक्यूल लेकर आऊं जिसके पास लोन पेयर पड़े हो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है, एक तरीका। लेकिन वो
बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, वो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। वो कैसा बनेगा? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इस बी और इस एन के बीच जो पहला इंटरेक्शन होगा, पहला जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बनेगा, और दो एटम्स के बीच बनने वाले पहले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा होगा। इसके पास एक और रास्ता है, जरा ध्यान से देखो। इसके पास एक और रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि क्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स हैं, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स हैं, वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वो क्या कर सकता है? वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ध्यान से सोचिए, सुनिएगा एक बार। Cl, Cl, Cl। क्लोरीन के पास तो भैया इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने तो अपने जो वैलेंस शेल के सात इलेक्ट्रॉन थे उनमें से उसने सिर्फ कितने का इस्तेमाल किया बॉन्डिंग में? एक का। तो उसके पास छह इलेक्ट्रॉन फालतू है। इलेक्ट्रॉन फालतू माने कि पेयर की तरह, लोन पेयर की तरह पड़े हुए हैं। उसके पास छह इलेक्ट्रॉन तीन लोन पेयर की तरह पड़े हुए हैं, और अगर जरूरत है बोरोन को तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो करेगा क्या कि एक सिग्मा बॉन्ड तो बोरोन और क्लोरीन के बीच ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उस सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद, तीनों क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो होता क्या है, ये क्लोरीन उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको अपने लोन पेयर डोनेट करता है। उसको अपने लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। अब देखो, शेयरिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड पहले से बना हुआ था बोरोन और क्लोरीन के बीच। ये क्या था? ये जो ऑलरेडी बना हुआ था, ये सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा के बाद बनने वाले बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, यहां कितने सिग्मा और कितने पाई हैं दोनों कार्बन एटम्स के बीच में? तो आप लोग कहोगे कि सर एक सिग्मा है और एक ही पाई है। एक सिग्मा कौन सा? जो पहले बना था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो पहले सबसे पहला किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद जो भी बनेगा वो पाई बॉन्ड। तो ये वाला पाई मान लो, ये वाला सिग्मा मान लो, पाई सिग्मा। क्लियर है? बिल्कुल सेम टू सेम कहानी यहां भी है। पहले एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था तो वो सिग्मा था, दूसरा जो बना वो पाई कहलाएगा। लेकिन दूसरा बॉन्ड किस नेचर का है? क्या वो शेयरिंग से बना? ना। क्या वो आयंस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और किसी प्रकार के अट्रैक्शन से बना? ना। क्या ये दो मेटल्स हैं जिनके बीच में मेटालिक बॉन्ड बन जाए? ना। तो फिर ये कैसा बॉन्ड है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कौन सी टाइप का? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि भैया सिग्मा के बाद बना है ये। कब बना ये? सिग्मा के बाद। तो ये कैसा बॉन्ड है? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। इसी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बैक बॉन्ड कहा जाता है। इसी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कहोगे आप लोग? बैक बॉन्ड। इसी को बैक बॉन्ड कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? बैक बॉन्ड। क्लियर है? के बाद यहां तक की चीजें जितनी अभी तक हमने पढ़ी हैं, बैक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया कि नहीं, ये बता दूंगा एक बार। क्या बैकबोन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? ये बैकबोन है। अब सेम कहानी देखिए, BF3 की बात करो तो फ्लोरीन पे भी लोन पेयर है, BCl3 की बात करो तो क्लोरीन पर भी लोन पेयर है, BBr3 की बात करो तो ब्रोमीन पर भी लोन पेयर है, और Bi3 की बात करो तो आयोडीन पर भी लोन पेयर है। सब पे लोन पेयर है, सारे तो हेलोजन है, सब एक जैसे ही है, सबके पास तीन तीन लोन पेयर है, तो मतलब सब में बैकबॉन्डिंग। अगर बैकबॉन्डिंग है तो एक ध्यान देना कि लुईस एसिड कौन है? जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जो ये बैकबॉन्ड बन रहा है, ये बोरोन की इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दूर कर रहा है, क्योंकि बैकबॉन्ड के थ्रू उससे जुड़ा हुआ हेलोजन एटम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और उसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे। तो यानी कि बैकबॉन्डिंग जो है ये कुल मिलाकर एसिडिटी को कम कर रही है। लुईस एसिड किसको बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
और अगर कमी को दूर कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो मतलब लुईस एसिडिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? लुईस एसिडिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हमें बस ये देखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों हेलोजन्स में से कौन सा हेलोजन ऐसा है जो बोरोन को जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो बोरोन को जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसका मतलब वो बोरोन की एसिडिटी या इलेक्ट्रॉन्स की कमी को उतनी ही जल्दी दूर करेगा, और जितनी जल्दी वो दूर करेगा उसकी एसिडिटी कम होने लगेगी। अब हम देखना क्या है, देखिए BF3 में बी एफ के बीच बॉन्ड है, BCl3 में बी और Cl के बीच बॉन्ड है, BBr3 में बी और Br के बीच बॉन्ड है, और Bi3 में बी और आयोडीन के बीच बॉन्ड है। किसके बीच? आयोडीन के। लोन पेयर कहाँ पड़े हैं? वैलेंस सेल में। बोरोन का तो भैया 2p ऑर्बिटल, इसका बोरो यहाँ भी 2p ऑर्बिटल, यहाँ भी 2p ऑर्बिटल, यहाँ भी 2p ऑर्बिटल, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। 2d एग्जिस्ट नहीं करता सेकंड सेल, मतलब बोरोन अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ रखेगा? 2p ऑर्बिटल के अंदर। क्लोरीन कहाँ से देगा? क्लोरीन की वैलेंस सेल क्या है? 2p। क्लोरीन की वैलेंस सेल क्या है? 3p। इसकी वैलेंस सेल क्या है? 4p। इसकी वैलेंस सेल क्या है? 5p। क्लोरीन अगर बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने 2p ऑर्बिटल से देगा, क्लोरीन देगा तो अपने 3p से देगा, ब्रोमीन देगा तो अपने 4p से देगा, और आयोडीन देगा तो अपने 5p से देगा। हालांकि यहाँ 2p लिखना गलत है, हम sp2 लिख सकते हैं, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। sp2 लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा, sp2 भी अगर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि सभी मोलिक्यूल में बोरोन जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो सबके सब एक जैसे। क्लियर बात? कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखने देने वाले पर ध्यान दो थोड़ा सा। 2p ऑर्बिटल इतना, 3p इतना, 4p इतना, 5p इतना। अगर ऑर्बिटल्स का साइज ही मैच ना करे, एक बेचारा sp2 इतना सा और एक बेचारा 5p इतना बड़ा, अगर ऑर्बिटल्स के साइज में हद से ज्यादा, अवकाश से ज्यादा डिफरेंस हो, मैचिंग नाम की कोई चीज ही ना हो, ना एनर्जी की, ना ही साइज की, ना सिमेट्री की, तो मतलब ओवरलैपिंग जो उनके बीच में होगी वो बहुत ही कमजोर ओवरलैपिंग होगी। सबसे बढ़िया तरीके से कौन अच्छी बैक बॉन्डिंग कर पाएगा? वो फ्लोरीन कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा है। आई बात समझ में? अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं ओवरलैपिंग की बात कर लूं, तो ये सबसे बढ़िया करेगा, ये थोड़ी सी कमजोर करेगा, ये और कमजोर, और ये तो लगभग ना के बराबर करेगा। और जो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग करेगा या कर पाएगा, वही बोरोन को इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से दे पाएगा। अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर दे पाएगा, तो मतलब उसी केस में बोरोन की जो एसिडिटी है, लुईस एसिडिटी, या उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो उतनी ही जल्दी खत्म हो पाएगी। तो सबसे ज्यादा गरीब बैकबॉन्डिंग के बाद भी कौन रह जाएगा? Bi3। क्यों? क्योंकि भैया आयोडीन के ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा है कि वो बोरोन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मैच कर ही नहीं पाएगा, या उसके 2p ऑर्बिटल के साथ मैच कर ही नहीं पाएगा। मैं ऑर्बिटल्स को अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं। क्लियर है बात? तो इस बार भी सबसे गरीब कौन रह जाएगा? Bi3 सबसे गरीब रह जाएगा, फिर BBr3 का नंबर, फिर BCl3 का नंबर, और फिर PF3 का नंबर। ये होगी लुईस एसिडिटी। तो अपना सही जवाब कौन सा है? अगर हम सही जवाब ढूंढने लगे इसमें, तो सही जवाब होगा आपका, कहाँ गया? अच्छा, आयोडीन है ही नहीं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो। फर्स्ट ऑप्शन कैसा होगा आपका? परफेक्ट होगा, एकदम सही होगा। पता ये बात या कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ आया कि नहीं? क्लियर है सबको? बताइए जरा मुझे एक बार। क्लियर है? एक बार वापस से सारी चीज को रिवाइज कर लेना, जो भी शब्द मैंने बोले हैं उनको एक बार वापस से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट था बैक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, आई होप आप लोगों की रिवाइज हो गई होगी। चलिए सवाल की अगर हम बात करें,
क्या पूछ रहा है सवाल में? इन द प्रेजेंस ऑफ केएफ यानी कि पोटेशियम फ्लोराइड AlF3 सोल्यूबल इन एच एफ फाइंड द कॉम्प्लेक्स। AlF3 जो है यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड जो है आपका वो HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन कब? जब KF हम लोग डालें, जब क्या करें KF का इस्तेमाल किया जाए। तो KF ऐसा क्या करता है कि वो HF में सोल्यूबल हो जाए, और कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाता है जो कि सोल्यूबल है, बताइए जरा। चलिए बताइए क्या होगा जवाब। ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं एक बार, ये जस्ट फॉर रिवीजन है ना, कि केएफ की प्रेजेंस में जो है AlF3 एचएफ में सोल्यूबल हो जाता है क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, इसका नाम है K3AlF6। इसका नाम क्या है? K3AlF6। आयनिक होकर वो उसके अंदर घुल जाता है, K3AlF6। याद करने की चीज है, इसको याद रख। चलिए अगला सवाल। SS बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द आयन पेयर। जैसा कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि फॉस्फोरस और सल्फर के सभी एसिड्स की स्ट्रक्चर याद कर लेना, बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के एसिड्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनमें पाए जाने वाले टाइप्स ऑफ बॉन्ड या कितने सिग्मा कितने पाई, उनके बारे में पूछा जाता है। और एसिड्स जो है सल्फर के, उनके बारे में पूछा जाता है। तो इनको एक बार कहा तो था मैंने, अगर नहीं भी याद है तो अपने पीपीटी में अपने पास है, आप देख सकते हो कि जितने भी अपने सल्फर के एसिड्स हैं उन सभी की स्ट्रक्चर जो है यहाँ बनी हुई है। आप लोग देख सकते हो किसके अंदर SS बॉन्ड है। अपना सवाल क्या है कि किसके अंदर सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड बना हुआ है, दो सल्फर एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। चलिए सबसे पहला एक तो अपने को ये दिख रहा है H2S2O3। क्या दिख रहा है? H2S2O3। इसके अंदर सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड है। H2S2O4 के बीच में भी है, यहाँ पर भी है, H2S2O4 के बीच में भी है। अच्छा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आयनिक में अगर मैं यहाँ से 2H+ को निकाल दूं तो इस पर H2O32- आ जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ 2H+ को निकाल दूं तो H2S42- आ जाएगा, ये भी अच्छी बात है। आगे देखिए क्या इसमें SS बॉन्ड है, बिल्कुल नहीं है। इसमें SS बॉन्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखो कहां पर SS यानी कि दो सल्फर एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, H2S2O2 के बीच में भी है। यहां से दो H को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो H2O22- बनेगा, आयन जो बनेगा यहां से, जिस आयन का फॉर्मेशन होगा H2S2O4, तो हम चलो लिख ही चुके हैं। चलिए सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है, बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये लीजिए H2O32- में है, बिल्कुल H2O32- में, बिल्कुल। तो आपका H2O32- कहां कहां पर है? H2O32- इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो इसको और इसको हटा दो। H2O62- में है, H2O62- कहां पर है जरा देखिए एक बार। H2S2O4 के अंदर है, बिल्कुल है। H2S2O6 में है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, ये देखिए। H2S2O6 2H+ को निकाल दो तो H2O6 2- बचेगा, और इसके अंदर भी सल्फर सल्फर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? ये जो है यहाँ देखिए S4O6 है, ये H2O32- है। वापस से देखिए सारे के सारे एसिड्स को, फिर से ध्यान से देखो कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है।
H2H2O7 के अंदर सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है, तो ये तो अपना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर देखो, अपने को पूरी नॉलेज चाहिए किसकी, अपने को नॉलेज चाहिए स्ट्रक्चर्स की, उसके अलावा कोई नॉलेज, कोई ज्ञान या किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ किसकी, स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए, अपने को जवाब जो है मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इनकी प्रैक्टिस करो। चलिए बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। H2S4O6 की अगर स्ट्रक्चर बनाए, H2S4O6 की अगर बनाए तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, O6 है, यहाँ से दो एच प्लस को अगर बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दे, इसको बाहर निकाल दे, ये माइनस, तो यानी कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, H2S2O7 2- के अंदर नहीं होगी। चलिए स्ट्रक्चर्स को सबको याद कर लेना, ये काम आने वाली चीजें हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब है कि किसी भी बॉन्ड को, दो एटम्स के बीच बने हुए किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसकी कम पड़ेगी, जो कमजोर बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। F2Cl2Br2I2, F2Cl2Br2I2, इन चारों बॉन्ड्स में से आपको सीक्वेंस में लगाना है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हिसाब से। चलो बताइए कि क्या होगा आपका सही जवाब। बताइए क्या होगा सही जवाब। बस आपको ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड मजबूत है, कौन सा बॉन्ड कमजोर है, कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कौन सा बॉन्ड कमजोर होगा उसको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मजबूती देख लीजिए बॉन्ड की, क्या होगा इसका सही जवाब। अगर हम इसकी चर्चा करें कि फ्लोरीन एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड जो है, फ्लोरीन एटम के बीच में बना हुआ जो बॉन्ड है वो कमजोर होगा या आयोडीन के, देखिए यहां तो एक बात तो एकदम क्लियर है कि किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बना हुआ बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, बीआर और बीआर के बीच, और आयोडीन और आयोडीन के बीच बना हुआ बॉन्ड। अगर हम इनकी चर्चा करें तो अपने को एक बात तो क्लियरली दिखाई देती है कि यार आयोडीन जो है वो बहुत बड़ा एटम है, आयोडीन कैसा है, बहुत बड़ा एटम है। अब बड़े एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना हुआ होगा। अब शेयरिंग से अगर बना हुआ है, अगर शेयरिंग से बना हुआ है तो वो बहुत बड़े बड़े कौन से ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना हुआ होगा, और ऑर्बिटल का साइज अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ओवरलैपिंग कमजोर होगी, ओवरलैपिंग कमजोर होगी तो बॉन्ड जो है वो कमजोर बनेगा। तो अब अगर हम सिर्फ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाएं तो सबसे मजबूत F2 का होना चाहिए, क्योंकि उसमें छोटे साइज के ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है, उनकी ज्योमेट्री भी सेम होगी, सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद BR2 और उसके बाद I2, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है थोड़ा।
गलत इसलिए है क्योंकि जब दो फ्लोरीन एटम शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल का साइज इतना कमजोर इतना छोटा है कि दोनों फ्लोरीन एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आ जाने की वजह से इनके लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? इनके बीच में रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होंगे। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और इस बॉन्ड को कमजोर बना देते हैं। तो फ्लोरीन यानी कि F2 के बीच का जो बॉन्ड है वो इनमें सबसे कमजोर बन जाता है, वो इनमें सबसे कमजोर बन जाता है। बात आ रही है समझ में? आ रही है कि नहीं? अब कमजोर अगर बन जाता है तो Cl फ्लोरीन से यहां जीत जाता है, तो Cl2 फिर Br2 फिर F2 और फिर I2 लास्ट में पहुंच जाता है, मतलब सेकंड लास्ट में पहुंच जाता है फ्लोरीन। किसकी वजह से? बस रिपल्सन की वजह से, जो कमजोरी बॉन्ड के अंदर आई है बस उसकी वजह से कहां पहुंच जाता है? लास्ट। चलिए, आई होप कि इतने सारे सवाल आप लोगों को, एक बार इनको रिवीजन कर लेना, पीडीएफ आपको पूरा मिल ही जाएगा, उसकी कोई टेंशन है नहीं, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों की दिवाली जो है बहुत शानदार रही होगी, और ऐसे ही अपनी तैयारी चलती रहेगी, पढ़ते रहेंगे। और मैं वापस से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि बिल्कुल मत भूल जाइएगा कि एग्जामपुर परिवार की तरफ से इतना शानदार ऑफर जो है आप लोगों को मिला हुआ है। सारे जितने भी ऐप में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर 75% 75%। और ऑलरेडी, मतलब बड़ी बात ये है, मैं ऑफर को मैं बढ़ावा नहीं बोल रहा, ऑफर को मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी पहले से ही दाम कम थे उसके, अब उस पे भी 75% का अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो मतलब वो पैसा इतना कम है कि उतना तो हम लोग कहीं बाहर घूमने जाए ना ऐसे एक दिन में एक शाम में उड़ा देते हैं ऐसे बर्गर पिज्जा खाने में, और उतने पैसों में जितने का हम बर्गर पिज्जा कभी कभी खा लेते हैं उतने पैसों में हमको एक नौकरी की तैयारी करने का कोर्स मिल रहा है ना। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर सभी लोग, और जो भी आप लोगों की जानकारी में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवार में यारी दोस्ती में कहीं पर भी अगर कोई तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो उनको रिकमेंड कीजिए, उनको बताइए और उनको एग्जामपुर से जोड़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच।